कानों में आवाज आना या शक करना, ये मानसिक समस्या के लक्षण है। इसका मुफ्त इलाज किया जा सकता है सन्मित्र हॉस्पिटल में। महात्मा ज्योतिबा फुले योजना अंतर्गत कोई भी मानसिक समस्या हो उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। क्या होता है कि ऐसे जो पेशेंट्स हैं मानसिक, उनको कानों में आवाज़ आती है कि भाई कोई मेरे खिलाफ़ बोल रहा है, उनको लगता है कि कोई आ रहा है, मार रहा है, पीटेगा, लोग अपने खिलाफ़ बातें कर रहे हैं, कोई दो लोग बातें कर रहे हैं, उसको लगता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ऐसा उसको लगता है, फील होता है ऐसा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं रहता। लोगों को ये विचार आते हैं कि मतलब पेशेंट लोग जो उनको विचार आते हैं कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, कोई आपस में बात कर रहा तो बोलता कि देखो भाई मेरे बारे में बात कर रहे हैं, उसको शक आता है लोगों के ऊपर कि नहीं, लोगों का इरादा पक्का नहीं है, मुझे कुछ तो भी कर देंगे। पत्नी के ऊपर शक आता है, पति के ऊपर शक आता है, और उनको लगता है कि इनका चारित्र खराब है। मेरे पास में भी परसों एक लड़के को लाया था, उसको ये शक था कि मेरी माँ मुझे खाने में जहर मिला के दे रही है और मुझे मार डालेंगे। अब ये कहीं बैठा नहीं, माँ कोई ऐसी करेंगी क्या, कोई पॉसिबल ही नहीं, मगर उसके दिमाग में बैठा हुआ है, पता नहीं कहाँ से आ गया, कुछ तो भी कारण होगा ही। फिर ऐसे लोग कभी कभी बड़बड़ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं, कि उनको लगता है कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो वो जाके झगड़ा करेंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लोग मेरे बारे में अफवाहें फैला रहे, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर अफवाहें फैला रहे। कोई लोगों को लगता है कि मेरे बारे में रेडियो पे, टीवी पे बातें चल रही है और वो मुझे गाली गलौज कर रहे हैं या मुझे अच्छा नहीं बोल रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे विचार लोगों के दिमाग में आते रहते हैं। फिर ये विचार आ गए, बीमारी आ गई, तो फिर बाकी लक्षण आते हैं, जैसे कि कभी मारपीट करना, शक करना, गाली गलौज करना, फिर नींद नहीं आना, फिर भूख नहीं लगना, काम पे नहीं जाना, अकेले अकेले बैठे रहना, डर डर के मारे घर में बैठना, मतलब ऐसी काफ़ी सारे लक्षण उसके साथ में आती है। अभी ये सभी लक्षणों के लिए मुफ्त में उपचार उपलब्ध है। महाराष्ट्र में रहने वाला हर नागरिक यदि ओरिजिनल राशन कार्ड और आधार कार्ड लाता है तो ऐसे पेशेंट को सन्मित्र हॉस्पिटल में हम मुफ्त में भर्ती करते हैं। उनको दवाइयाँ, भर्ती मुफ्त में करना, काम पड़ा तो शॉक ट्रीटमेंट देना, ऐसे सभी, उसको काउंसलिंग करना, जो भी करना है हम फ्री में करते हैं। उसको यहाँ दाखिल होने की ज़रूरत है तो आप नीचे दिए नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। सन्मित्र हॉस्पिटल OPD यह केळेकर हॉस्पिटल के पास में है, रामदास पेठ अकोला, अकोला महाराष्ट्र में है। ये अकोला बाहर के लोगों को जिनको मालूम नहीं उनके लिए बता रहा हूँ कि अमरावती और शेगांव के बीच में आता है, नागपुर के पास में आता है। तो यहाँ आप आ सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में, नज़दीक में है, तो ज़रूर आइए और आते वक्त राशन कार्ड, आधार कार्ड आके मुफ्त में अपना इलाज करके लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।